पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपने गेंजा के साथ घोस्ट टाइप पोकेमॉन टूर्नामेंट में एंटर करता है, जहां पर वो एक भी फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन को कैच नहीं कर पाता। 5 मिनट बीत जाते हैं और सेकंड स्टेज पोकेमॉन फॉरेस्ट में छोड़ दे जाते हैं, जिनमें से ऐश 2 को पकड़ने में सफल हो जाता है। तभी सेकंड बजर बज जाता है, यानी कि अब थर्ड स्टेज पोकेमॉन फॉरेस्ट में आ चुके थे। इनमें से ऐश 2 को कैच कर लेता है, बट वो नोटिस करता है कि ये बाकी पोकेमॉन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसी बीच में गेंजा भी इंजर्ड हो चुका था, बट बाद में वो लोग एक रिवर के अंदर घोस्ट टाइप पोकेमॉन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब आगे ऐश को पानी के अंदर 2 पोकेमॉन्स की फाइट करने की आवाज आती है। ऐश जल्दी से वहां पर जाता है एंड उसको देखने को मिलता है कि ग्रेंजा पानी के अंदर किसी पोकेमॉन से फाइट कर रहा होता है एंड उसको डोमिनेट भी कर रहा होता है। ऐश बोलता है ग्रेंजा पानी के अंदर फाइट करने में मास्टर है, उसको कोई भी पोकेमॉन डिफीट नहीं कर सकता है। तभी ग्रेंजा उस पोकेमॉन के साथ पानी के बाहर आ जाता है एंड उनकी फाइट कंटिन्यू होती है। वो पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा बल्की और स्ट्रांग लग रहा था। दोनों ही पोकेमॉन फिजिकल अटैक का यूज कर रहे थे। ये फाइट काफी ज्यादा लंबी चलते जा रही थी। ऐश टाइमर को चेक करता है एंड अब सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे, यानी कि थर्ड स्टेज पोकेमॉन राउंड को खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बचे हुए थे। ऐश बोलता है गेंजा शायद हमें इस बैटल को यहीं पर रोक देना चाहिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, हम एक पोकेमॉन के ऊपर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और साथ में तुम इंजर्ड भी हो जाओगे। बट गेंजा काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। कुछ टाइम बाद लास्ट में वो एक कट अटैक का यूज करके उस पोकेमॉन को डिफीट कर देता है और ऐश पोकेबॉल का यूज करके उसको कैच कर लेता है। ऐश बोलता है गेंजा बहुत बढ़िया, तुम्हारे चलते अब मैंने 5 पोकेमॉन कैच कर लिए है। ऐश अपना पॉकेटेक्स निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम हाइड्रा थन है और इसकी टाइपिंग वाटर और घोस्ट टाइप है। ऐश बोलता है गेंजा ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट फाइंड हो सकती है, देखने में ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, हमारे पास अभी भी 1 मिनट बचा हुआ है, शायद हमें एक और थर्ड स्टेज पोकेमॉन कैच करने का ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है कि पानी के अंदर अभी भी काफी सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन छुपे हुए हो सकते हैं। ऐश और गेंजा पानी के किनारे बैठ जाते हैं। ऐश अपने बैग को निकालता है और बोलता है कि मुझे याद है कि मिस्ट्री ने मुझे एक फिशिंग रॉड दी थी, वो यहाँ पर काम आ सकती है। काफी ढूंढने के बाद ऐश को फाइनली वो फिशिंग रॉड मिल जाता है एंड उसका यूज करके वो घोस्ट टाइप पोकेमॉन को कैच करने का ट्राई करने लगता है। बट काफी टाइम वेट करने के बाद भी कोई भी पोकेमॉन बाहर नहीं आता। तभी थर्ड बजर बज जाता है। ऐश और गेंजा पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि इतने जल्दी सोलो लेजेंडरी राउंड स्टार्ट नहीं हो सकता है, हमें एक और थर्ड स्टेज पोकेमॉन कैच करना था। ऐश ने काफी टाइम फिशिंग में वेस्ट कर दिया था, वो वापस से फॉरेस्ट में जाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो अपने फिशिंग रॉड को खींचता है। बट वो फील करता है कि फिशिंग रॉड भारी लग रही है। ऐश और गेंजा साथ मिलकर उस फिशिंग रॉड को खींचने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वो फिशिंग रॉड बाहर आती है और जब वो सरफेस पर आ जाती है तो देखने को मिलता है कि वहां पर एक काफी स्ट्रांग पोकेमॉन था। इसने काफी टाइम से ऐश के फिशिंग रॉड को बाइट करके रखा था और ऐश को कोई भी अंदाजा नहीं था। ऐश बोलता है ये शायद एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन हो सकता है, क्योंकि सूडो लेजेंडरी राउंड स्टार्ट हो चुका है, हमें इसे कैच करना होगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के गेंजा पानी के अंदर जंप कर देता है और उस पोकेमॉन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था और गेंजा को डोमिनेट कर रहा था। ऐश को कुछ ना कुछ सोचना होगा, वरना ऐसे वो पोकेमॉन भी हाथ से निकल सकता है और गेंजा भी हार जाएगा, जिसके चलते ऐश डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐश को एक स्ट्रेटेजी याद आ जाती है, वो नोटिस करता है कि उस पोकेमॉन की स्पीड कम थी गेंजा के मुकाबले, इसलिए गेंजा को अपने स्पीड का फायदा उठाना होगा। गेंजा भी ऐश की बात को समझ जाता है और वो अपने स्पीड का यूज करके उस पोकेमॉन को डैमेज देना स्टार्ट करता है, जबकि वो पहले स्ट्रॉन्ग अटैक्स का यूज कर रहा था, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे थे। ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही थी। गेंजा डबल टीम जैसे अटैक्स का यूज कर रहा था, जिससे वो पोकेमॉन कंफ्यूज हो चुका था कि गेंजा कहां से अटैक कर रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश जल्दी से पोकेबॉल फेंक देता है, बट वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि जैसे उस पोकेमॉन के ऊपर पोकेबॉल लगने वाला था, वैसे ही वहां पर एक और पोकेमॉन आ जाता है। वो उस पोकेबॉल को ऐश की तरफ वापस फेंक देता है एंड वो पोकेमॉन भी अब गेंजा के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। शायद ये उस पोकेमॉन का फ्रेंड था और उसकी मदद करने आया था। दोनों ही पोकेमॉन गेंजा से फाइट कर रहे थे, बट किसी तरह से गेंजा अभी भी उन दोनों पोकेमॉन को मैनेज कर रहा होता है। ऐश को रियलाइज होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गेंजा वीक हो जाएगा, वो 2 सुपर स्ट्रॉन्ग सोलो लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट नहीं कर सकता। ऐश अपने पोकेबॉल को निकालता है एंड वो उस वीक पोकेमॉन के ऊपर अपने पोकेबॉल को फेंक देता है। इस बार उसका फ्रेंड पोकेमॉन पोकेबॉल के बीच में नहीं आता, जिसके चलते वो पोकेबॉल पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है एंड ऐश उसको कैच कर लेता है। ये ऐश का 6th पोकेमॉन था। वहीं पर गेंजा अब सेकंड पोकेमॉन से फाइट कर रहा था। वो पोकेमॉन गेंजा को बहुत ज्यादा डैमेज दे चुका था। ऐश बोलता है गेंजा अगर तुम लड़ नहीं सकते तो वापस आ जाओ, हम किसी और पोकेमॉन से बैल करके उसको कैच कर लेंगे। ऐश की बात मानकर गेंजा जमीन पर आ जाता है। जैसे गेंजा सेफ फील करता है, वो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी जमीन पर आ जाता है और गेंजा के ऊपर अटैक कर देता है, यानी कि वो गेंजा का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अब गेंजा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रेंजा में और अब उस पोकेमॉन से फाइट कंटिन्यू करता है। अब गेंजा उस पोकेमॉन को डोमिनेट कर रहा होता है। ग्रेंजा का कमबैक हो चुका था। फाइनली वो एक काफी स्ट्रॉन्ग डार्क पल्स का यूज करके उस पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। ऐश घोस्ट बॉल का यूज करके उस पोकेमॉन को कैच कर लेता है, जो कि ऐश का 7th पोकेमॉन था। ऐश और गेंजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब उनको सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन पकड़ने थे। तभी ऐश नोटिस करता है कि गेंजा के लेग्स इंजर्ड हो चुके हैं एंड उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। ऐश बोलता है गेंजा अगर तुम ठीक नहीं हो
तो हम इस टूर्नामेंट से बाहर भी जा सकते हैं, बट गेंजा मना कर देता है। वो ऐश को जिताना चाहता था। उसको भी पता था कि अगर ऐश को हेक्टर से फाइट करनी है तो उसके लिए ये सिंबल कितना ज्यादा जरूरी है। अब टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 5 ही मिनट बचे हुए थे। 2 मिनट के अंदर सोलो लेजेंडरी राउंड खत्म हो जाएगा एंड फिर स्टार्ट होगा अल्टीमेट पोकेमॉन राउंड, जहां पर 50 में से कुछ ही फॉरेस्ट के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को छोड़ा जाएगा और पोकेमॉन ट्रेनर्स को पूरे फॉरेस्ट के अंदर उस पोकेमॉन को ढूंढना होगा। यानी कि अगर ऐश को टोटल 10 पोकेमॉन कैच करने थे तो इन 2 मिनट के अंदर उसको 2 सोलर लेजेंडरी पोकेमॉन कैच करने होंगे। पर ये जितना दिख रहा था उतना आसान नहीं होता है। काफी ढूंढने के बाद भी ऐश और गेंजा को कोई भी सोलर लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं दिख रहा था। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सोलर लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और आमतौर पर एक रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सोलर लेजेंडरी पोकेमॉन पाया जाता है। टाइम बीते जाता है और अब सिर्फ और सिर्फ 3 ही मिनट बचे हुए थे। ऐश और गेंजा को कोई भी सोलर लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता और फाइनल बजर बच जाता है। यानी कि अगर ऐश यहाँ पर एक पोकेमॉन कैच भी कर लेता है तो उसके पास मैक्सिमम 8 ही पोकेमॉन हो पाएंगे, जिसके चलते ऐश और गेंजा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ऐश बोलता है चेयरमैन ने बिल्कुल सही कहा था, हमें फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। इस टाइम पर उनको कैच करके हम अपने बेस स्टैट बढ़ा सकते थे, शायद अब यह सिंबल मेरे हाथ से जा चुका है। गेंजा ऐश के शोल्डर पर हाथ रखता है और बॉन्ड एवोल्यूशन के थ्रू बोलता है कि कोई बात नहीं, हम इस लास्ट पोकेमॉन को कैच कर सकते हैं, जिसके बाद शायद हम इस टूर्नामेंट में बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से आगे हो जाए। गेंजा की बात मानकर ऐश वापस से खड़े हो जाता है और अब वो लोग लास्ट पोकेमॉन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पूरे फॉरेस्ट के अंदर शांति हो चुकी थी, आसपास कोई भी पोकेमॉन देखने को नहीं मिल रहा था, मानो कि पूरा फॉरेस्ट खाली हो चुका हो। ऐश बोलता है कि चेयरमैन ने बताया था कि कुछ ही लकी पोकेमॉन ट्रेनर्स के फॉरेस्ट में ये अल्टीमेट पोकेमॉन जाने वाला है। अगर ये पोकेमॉन हमारे फॉरेस्ट में आता भी है तो ये फॉरेस्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि उस पोकेमॉन को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, बट फिर भी हमें कोशिश करते रहनी होगी। तभी एक बुश हिलती है और गेंजा उस बुश के ऊपर वाटर शुरिकेन का यूज करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर कोई भी पोकेमॉन नहीं होता है। वो बुश हवा के चलते हिली थी। गेंजा पूरी तरह से अलर्ट था, उसको पता था कि उसको किसी भी तरह से इस अल्टीमेट पोकेमॉन को ढूंढना होगा एंड उसको डिफीट भी करना होगा। उसको जहां पर भी कुछ सेंस होता था वहां पर वो वाटर शुरिकेन का यूज कर देता था, बट अभी तक कोई भी पोकेमॉन सामने नहीं आया था। ढूंढते ढूंढते 1 मिनट बीत जाते हैं और अब सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बचे हुए थे, जिसके बाद ये टूर्नामेंट एंड हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा इंटेंस टाइम स्टार्ट हो चुका था। यही वो टाइम था जहां पर पोकेमॉन ट्रेनर से अल्टीमेट पोकेमॉन कैच करके बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से आगे हो सकते थे। चेयरमैन बाहर से सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की प्रोग्रेस देख रहा होता है। वो बोलता है कि इस बार मैंने 50 में से सिर्फ और सिर्फ 7 फॉरेस्ट के अंदर ही अल्टीमेट पोकेमॉन को छोड़ा है।